छाड़ के नौकरी बिक गए। गोली चलवा के इंधन पे गोली चला के कहे चले ना जय श्री राम हर हर मोदी बताइए IIT कानपुर जाइए हमारे अच्छे प्रतिनिधि चुनिए अच्छे प्रतिनिधि चुनिए विकास होगा बताइए कि हमारे गरीब बच्चों को और गरीब गरीब किसी गरीब लोग किसी गरीब राम मंदिर लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होगा जिसमें से एक सीट घोसी की है जहां से NDA प्रत्याशी सुभाषपा के अरविंद राजभर हैं और उनके सामने है समाजवादी पार्टी से राजीव राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा घोसी में हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा भी घोसी में हुई और शिवपाल यादव हो या फिर राज्य में बड़े बड़े मंत्री नेता हो पूरी ताकत हर कोई अपनी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए लगा रहा है। हम जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की सभा हुई उसके नजदीकी हैं और कुछ लोग हैं स्थानीय लोग हैं जो घोसी के रहने वाले हैं जरा इन लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं जानते हैं कि क्या माहौल है उनके घोसी में क्या माहौल है आपके घोसी में किसका पल रहा भारी लग रहा है। घोसी में सिर्फ NDA गठबंधन और छड़ी यहां से चुनाव जीतेगी और 16 आने में 16 आना छड़ी ही जीतेगी। क्या मुद्दे चल रहे हैं घोसी में? घोसी में विकास का मुद्दा है और मोदी जी ने जो लगातार विकास करके और भारत के लोगों को विश्वास दिलाया है साथ ही घोसी के लोगों को विश्वास दिला है इस विकास के नाम पर ही इस घोसी में चुनाव पड़ेगा और किसी भी जाति के बंधन पर विकास पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। विपक्ष वाले जो कह रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलने के चक्कर में है उसका क्या उसका असर है? संविधान कहाँ बदला जा रहा है जो विपक्ष के लोग प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं इस पे कोई लेना देना नहीं है और जनता जान रही है कि कौन जो है कि हमें गुमराह कर रहा है कौन क्या कर रहा है। जनता किसी की बहकावे में आने वाली नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट करेगी मोदी जी पे भरोसा है और मोदी जी के नाम पे वोट करेगी। क्या नाम है आपका कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अभिषेक सिंह है मधुबन विधानसभा में दुबारी मेरा घर है। क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके क्षेत्र में घोसी में? हमारे यहाँ मुद्दा है गुंडागर्दी से मुक्त उत्तर प्रदेश और भारत विकसित भारत बने ही हमारे यहाँ मुद्दा चल रहा है। राजीव राय कितने मजबूत प्रत्याशी हैं आपके अरविंद राजभर के सामने? कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है सारे गरीब पिछड़ा दलित वंचित सारे लोग इन लोग के गुंडागर्दी से आज ही जाके 2014 से लगातार 2024 तक मोदी जी पे विश्वास करके चुनाव जिताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बनने के बाद 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे और 24 भी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। उनका कहीं कुछ नहीं है विरासत में उनको गद्दी मिली थी और विरासत में जो अपने पिता का नहीं हुए जो अपने चाचा का नहीं हुए जबरदस्ती गद्दी छीन के इसको इस जनता समझती है जनता इस बात को समझती है कि सिर्फ उनके पास छलने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश मऊ जिले में खासतौर से कोई विकास का काम नहीं किए थे एक काम नहीं किए थे पिछले सरकार में कि वो काम गिना के जनता के बीच में अपना वोट मांग ले। राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा है? प्रधानमंत्री यहाँ आके कह रहे हैं कि विपक्ष जिस प्रकार से बिल्किस बानो का केस पलट दिया था उसी प्रकार से राम मंदिर का भी जो है ये पलट देंगे फैसला। भारत की जनता मन बना ली है ये नौबत नहीं आने देंगे हम लोग छड़ी पे यहाँ बटन दबाने जा रहे हैं और अगल बगल के जिलों में अपने नात रिश्तेदारों को फोन करके हम लोग बोल रहे हैं कि आपको कमल पे बटन दबा के मोदी जी को विश्व का सर्वमान नेता बनाने हम लोग को जाना। बताइए क्या माहौल है कौन जीत? छड़ी जी। क्या माहौल है किसका माहौल है क्या मुद्दे आपके घोसी में? मुद्दा हमारा कुछ नहीं है देखिए यहाँ पे जो है राज्य में जो भाजपा की सरकार है अब मऊ जिले से जो जीतते हैं वो अन्य दल के इसलिए जो है मऊ का विकास नहीं हो पाता है। देखिए अब हम जिताना चाहते हैं यहाँ भाजपा गठबंधन छड़ी जो है कि उनको जिताना चाहते हैं कि मऊ का विकास हो क्योंकि अपने निधि से वो बहुत ज्यादा काम नहीं निधि में कितना पैसा आता अपने निधि से कितना काम करवाएंगे वो ठीक है। डबल इंजन वाली सरकार साहब जी राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा अगर विपक्ष आ गया सरकार में? ऐसा कुछ नहीं है नहीं मोदी तो कह रहे हैं नहीं मोदी कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ पीएम मोदी कह रहे हैं विपक्ष वाले आए तो जैसे बिल्किस बानो का केस था फैसला पलट दिया गया राम मंदिर का जो फैसला है वो भी पलट देंगे? नहीं यहाँ पे छड़ी जीत रही है तो जीत रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका कहाँ से है? संतोष कुमार राय महाराष्ट्र से मैं हूँ और से आए हैं प्रचार करने महाराष्ट्र से मैं प्रचार करने आया हूँ क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र संगठन सचिव के पद पे काम करता हूँ जी। और यहाँ का अभी यहाँ का जो माहौल हमने देखा है
कि हर सर्व समाज एक जो है राजभर समाज के जो हमारे हैं कैंडिडेट उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सर्व समाज के लोगों का एक ध्येय है, एक बन चुका है उनके मन में कि यहाँ से छड़ी जीत रही है, सब लोग मिलकर के एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। चल रहा है यहाँ पे आपके घोसी में, यहाँ पे मैंने देखा जो हमने घूम करके देखा है चारों पांचों विधानसभा में, मुद्दा यहाँ पे जाति का जो मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत अपने में भारी पड़ रहा है। दूसरी बात है विकास का और गुंडागर्दी, अभी भाई ने बताया गुंडागर्दी की बात, यहाँ पे अब जब भी सपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही हो बसपा की सरकार रही हो, हमेशा गुंडागर्दी की बात हुई है, और कांग्रेस सरकार रही हो वो भी गुंडागर्दी की बात की और विकास का काम नहीं किया। लेकिन जब से मोदी जी को मौका मिला है, 10 साल से मोदी जी ने यहाँ पे राज किया, और देश में आप देख लीजिए, आज नजर उठाइए चारों तरफ रोड का हो चाहे रेलवे का हो और जितने भी विकास के मुद्दे हैं सब पे उन्होंने काम, आरक्षण के मुद्दे पर हमारा जो यहाँ पे जो सरकार है केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है, और आरक्षण के मुद्दे को कहीं न कहीं जाकर के जैसे सरकार हमारी बनती है केंद्र में, हम जो है यहाँ से योगी जी अपने जो भी आरक्षण के मुद्दे थे उसको उठा करके उन्होंने केंद्र के पाले में डाला है, सरकार बनते ही आरक्षण पे विचार होगा और आरक्षण के जो मुद्दे हैं वो दिया जाएगा, लोगों के ऊपर दिया जाएगा। जो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये लोग रोजगार के मुद्दे पे क्या बात करेंगे, हर एक चीज का आज की डेट में एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक, हर एक चीज का पेपर लीक हो रहा है। युवा परेशान है, 4 साल का आप नौकरी लाए अग्निवीर, उसके तहत कितने युवा लड़के बेरोजगार आज की डेट में घूम रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग को बस रोजगार चाहिए, बस यही हमारी आवाज। इसका माहौल है घोसी में, फिर अखिलेश यादव जीतेंगे सपा, बिल्कुल एकदम कंफर्म सीट निकलेगा। हाँ एकदम, आप बताइए क्या मुद्दे है घोसी में, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, वो ईवीएम के बटन दबेंगे, ईवीएम के बटन जरूर दबेंगे और अखिलेश भैया यहाँ से निकलेंगे। और अभी बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि हम जातिगत जनगणना के बारे में बात करें, हम कह रहे हैं ये लुभावने क्यों दिए जाते हैं, पहले इसके पहले तो 5 साल 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने 10 साल में क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराया, अब आप कहेंगे कि हम जनगणना कराएंगे। जनगणना कौन की मांग कर रहा है आपको मालूम है ना? मालूम है और ये हमारी सबसे प्राथमिकता यही है कि युवाओं को पिछले 10 सालों में थोड़ा भी रोजगार नहीं मिला है। युवा आप देख लेंगे जिधर चारों तरफ नजर उठाकर देख लिए, सबसे ज्यादा युवा परेशान है, और 5 किलो राशन से जिंदगी बितने वाली नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सीएम छोड़कर आए, हम अपने घर पर इनको खिलाएंगे, 5 किलो क्या खाएंगे, हम इनको नौकरी खिलाएंगे, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए। क्या पढ़ाई किया आपने? हमने बीए किया है। किससे किया है, किस सब्जेक्ट से? मैथ से किया है। जी हाँ। बीए के बाद आगे क्या किया, स्किल क्या सीखा? हमारे अंदर हुनर था कि हम जाकर फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने हम युवाओं को हक मार दिया, अग्निवीर लाकर हमें 20 साल के अंदर बूढ़ा घोषित कर दिया, 21 साल उम्र कर दिया, 21 साल में कोई जवान बूढ़ा हो गया, इससे ज्यादा दर्द की बात और युवाओं के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। इसने कहा कि 21 साल के बाद आप आगे सेना में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप जानते नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि 21 साढ़े 20 साल हो गया उम्र फौज में जाने के लिए। हम लोग 2 महीने से हम लोग का फॉर्म नहीं भरा पाया, एक दिन के लिए हम लोगों का फॉर्म नहीं भरा जा पाया। सोचिए, अब हम लोग जो 4 साल से लगातार दौड़ रहा है, अब पढ़ाई करने के लिए आप उसको बोलेंगे तो कैसे पढ़ाई कर पाएगा? युवा बेरोजगार बैठे, युवा का हालत एकदम खराब है, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। गठबंधन का माहौल है, बताइए अंकल जी किसका माहौल है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, उसी में क्या माहौल है, किसका माहौल? अखिलेश यादव का माहौल है, अखिलेश यादव का। जी बताइए, ये अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपके घोसी का? के रोजगार, सीधा रोजगार, किसी को नौकरी नहीं दिया है योगी, योगी किसी को नौकरी नहीं दिया, सीधा बात ये है। हाँ, 5 साल के नौकरी बीत गए, गोली चला के इंधन पे गोली चला, कहा चले ना, कहा चले ना, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हिंदू धर्म है, इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। कहाँ लेके जा रहे हैं आदित्यनाथ जी को? एकदम इनके एकदम दिल में बैठा हुए क्या, दिल में बैठा हुए क्या है, दिल में बैठा हुए क्या, घर नहीं है, आपके घर नहीं है, कहाँ है, दिल में बैठा हुआ, एकदम बढ़िया काम चले हुए। कहाँ घर लग जाइए, एकदम प्रशासन व्यवस्था बढ़िया रख ले, गुंडन का एकदम सफाया होगा। पहले का माहौल रहा आपका माहौल? पहले मुलायम सिंह की मायावती के शासन में बहुत गड़बड़ी रही, अब बहुत बढ़िया। तो एक कटौटवा लेके कहाँ जाते हैं? कटौटवा जनता में जना देश है कि एकदम जीतत हुआ लग जाइए। हाँ हाँ, अच्छा।
सरकार जो राम मंदिर के बारे में कहा था योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि विपक्ष का सरकार आए तो राम मंदिर का फैसला बदल जाए, आप मानते नहीं सुन हो? बिल्कुल मानते, विपक्ष बदल दे वो कुछ और कर लिया भैया, जब आरक्षण में करता हूँ तो करता हूँ, कुछ और कह दिए वो। आप कहते हैं योगी बढ़िया काम करे हैं, लड़का कहते हैं नौकरी ना आए। अरे लड़का कहते तनी मनी तो होता रहता, योगी जी बढ़िया करता हूँ, विपक्ष एकदम गड़बड़ है, हमेशा ऐसा कह लिया ऐसा करिए। यहाँ पर अरविंद राजभर जी चुनाव जीते जाते हुआ लगभग 2 लाख से, राजीव 3 नंबर पर, पिछली 4 नंबर पर है ना, बहुत करें 3 नंबर पहुंचे हैं, जब 5 नंबर पहुंचे हैं बस। हाँ ये बताओ, आप कहते हैं सुरक्षा बड़ा बढ़िया कह दे ना, पहले का रहा अब का बदल के बाद? अब बहुत बढ़िया है, जितना लोग गुंडा लोग रहा ना मिट्टी में मिल गई। जी हाँ, आप बताए क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके? विकास, नौकरी मिल रही है? जी बिल्कुल नौकरी है, जो सब पढ़ लिख रहा है उसको तो रोजगार मिल रहा है, अब जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से रोजगार मिलेगा? जो जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, 2020 10,000 दरोगों का वैकेंसी आई थी तो भर्ती हुए हैं, अब जाके ड्यूटी करें ज्वाइनिंग करके, जो पढ़ रहा है उसको तो नौकरी मिल रही है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या जो बात कर रहे हैं 5 किलो राशन दे रहा है तो फिर क्यों ईडी गठबंधन वाले 10 किलो कर दिए? अच्छा बतिया सुना, इंडिया गठबंधन वाले कहना कि हम 10 किलो देब, तो इंडिया गठबंधन वाले कहना 10 किलो देब तो उसे पेट भर जाए, सबके कहा ना। अरे जय गोपाल, इसके पास जिसको देखो एक बार में एक की आवाज आएगी। अंकल जी क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले? अनिल चौबे जी, कहाँ घर हो आपका? कोंडा। बताओ क्या माहौल आपके घोसी में? हम लोग घोसी में साहब योगी हैं, योगी का काम अच्छा, अखिलेश मोदी हैं अच्छा नेता हैं साहब, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग ऐसा हम लोग चाहिए, रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, मोदी और योगी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो सब दे रहे हैं साहब, हम लोग बस नेता सबसे अच्छा वही है साहब, योगी है जी सर। यहाँ बताइए घोसी में जातीय समीकरण कितना काम करता है, क्या सब जात पात पे वोट देते हैं? जात पात साहब देखिए साहब, जात पात में सब मतलब जात पात का तो है ही है साहब, लेकिन हम लोग के जो नेता है सबसे अच्छा है साहब, हम लोग नोट देते हैं, अच्छा नेता है। हाँ अच्छा है साहब। का नाम हो? सोरू राजभर। सोरू राजभर जी। का घोसी में केकर माहौल? अरे अरविंद राजभर जीता था वहाँ, एक का काम का करी है जीते के बाद? साइकिल तीसरे नंबर पे आएगी। बहुत बढ़िया काम करी हूँ, प्रकाश राजभर के लड़का हूँ भैया, आज ऐसे हम प्रकाश राजभर काम करते हूँ, कल्पनाथ राय का सपना पूरा करी अरविंद राजभर। एक साल पहले ये ओम प्रकाश राजभर तो योगी मोदी के खूब उल्टा बोलत रहे, आपका मजदूरी करब, आप हमके मजदूरी ना देबा तो का करब? अच्छा। जी ये ओम प्रकाश राजभर कहते रहे प्रधानमंत्री सबसे झूठा है, तो भाजपा में मजदूरी कैला, भाजपा उनकर मजदूरी ना दे ऐसे निकल गयी, अब मजदूरी देवे के तैयार है, फिर गयी ना हम मजदूरी करे। हाँ वो मजदूरी कर दो, आप चुनाव के रोक ना पाए साहब अरविंद राजभर के जी। बोलिए एक लास्ट का अखिलेश यादव जिंदाबाद, अगली बार 400 अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक कमेंट इनका बस। अभी एक चाचा जी बोल रहे थे कि हमारे भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवाया है, इन्होंने जितना पैसा राम मंदिर बनवाने में खर्च किया है उससे ज्यादा पैसा खर्च करके आपने क्यों न महाविद्यालय बनवाया, सरकारी अस्पताल बनवाया, ताकि हमारे गरीब बच्चों को और गरीब किसी गरीब राम मंदिर राम भक्तों के पैसे से बनाया, सरकार ने नहीं बनाया। हम तो कह रहे हैं कि आप सरकारी अस्पताल बनवाइए, सरकारी महाविद्यालय बनवाइए, ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़े, राम मंदिर से लड़के आगे नहीं बढ़ेंगे। आप विद्यालय बनवाइए, सरकारी अस्पताल बनाइए, ताकि कहाँ बना है हमारे मऊ में आप दिखा दीजिए 10 साल में कहाँ बना है। बताइए IIT कानपुर जाइए, हमारे मऊ अच्छे प्रतिनिधि चुनिए विकास होगा। बताइए कितनी भी महंगाई आ जाए, कुछ भी हो जाए, 150 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे, मगर वोट मोदी जी को ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। क्यों हम देश के लिए वोट करेंगे, देश के लिए वोट करेंगे।
देश के लिए वोट करेंगे, जनता के लिए वोट करेंगे, हर घर का वोट है मोदी जी के लिए। ये कहाँ लेके जा रहे हैं जी? हमारे देवता हैं, देवता समान हैं, देवता दिल में हमारे, ये हमारे देवता समान है, गुरु हैं। जिताएंगे, कुछ भी हो जिताएंगे, मोदी सरकार ही बनाएंगे, 400 के पार लेके जाएंगे। अच्छा लगता है बाबा इनको दिल में रखे हो, घर लेके जा रहे हो, घर के सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हो। अरे ये हमारे योगी जी देवता हैं, दिल में बसे हैं, गुरु समान इनके हम इज्जत करते हैं। बताइए भाई, माफिया खत्म हो गए, माफियाओं को कमिटी में डाल दिया, मोदी सरकार ने किया है, माफियाओं को खत्म कर दिए हैं, मुख्तार अंसारी भी खत्म हो गया, खत्म सब, खत्म सब, सब खत्म। एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ जय अखिलेश के नारों के बीच घोसी लोकसभा चुनाव होएगा। जातीय समीकरण भी बड़ा मुद्दा है, विकास और रोजगार के भी मुद्दे हैं, जातीय समीकरण का मुद्दा है। कुछ समर्थक योगी और मोदी से प्रभावित हैं तो कुछ अखिलेश के दीवाने हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला घोसी लोकसभा सीट पर होगा और इसके साथ ही सातवें चरण का मतदान खत्म होगा, लोकसभा चुनाव संपन्न होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि घोसी का अगला सांसद कौन होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, घोसी।